ये अभी फुलेरा जाके आई थी, तो जो मेरा पीछे का बाग है बना रखा है उसके अंदर ये अनार लगी थी, तो इतनी सारी अनार मैंने छील ली है और दो चार अनार ये बाकी अनार मैं 3-4 दिन बाद, मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे दाने उसके बाद छीलूँगी। और ये देखो ये अभी दाने निकाल लिए हैं और बहुत ही टेस्टी हैं, मीठी हैं, और छोटी छोटी अनार भी एकदम रेड निकल रही है, तो बहुत ही मीठी अनार हैं। आ जाओ सब्ज़ लें और अनार खा लो, मैं छील रही हूँ, आप सब खा लो। देखो ये इस तरह से मैं अनार छीलती हूँ, आप भी आ जाओ, ये वीडियो इस तरह से बनाया है, ना तो हिल रहा है ना कुछ, और बस, और थोड़ा सा मैं दिख रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी, एक साइड में फ़ोन पड़ा है। तो अब हो रहा है करीब 9:30 का टाइम, और अभी मैं नहा के आई हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो गई नहाने में, तो लड्डू गोपाल जी को नहलाया नहीं, अब नहला रही हूँ और इनको दूध अभी पिला रही हूँ, क्योंकि सुबह चाय पिला दी थी, तो अब ना दूध का टाइम हो गया, तो थोड़ी देर बाद में इनको खाना दे देंगे। ये होगा लड्डू गोपाल जी का वीडियो, सुबह सुबह ही बना ली थी सारी रोटियां वगैरह, तनु जा रही थी अपने का मतलब कॉलेज, तो फिर है ना साथ ही रोटी बना दी मैंने सबकी, एक एक नहीं बनाई, तो सब्जी बना दी और ये इसमें टिफिन में रोटी और लड्डू गोपाल जी को दूध पिला दिया। अब करेंगे पूजा पाठ, खाना वाना सारा हो गया है और अब है पूजा का टाइम, तो अब पूजा करेंगे, सारा काम कंप्लीट है, खाली पोछा झाड़ू बचा है, तो पोछा झाड़ू मैं हमेशा नहाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना ही टाइम मिल पाता है। तो अब यहाँ से मेरी डस्टिंग स्टार्ट हो गई है पूजा पाठ होने के बाद में, और ये मेरे रूम का है, तो मैं इधर रूम की साफ़ सफाई करूँगी, पहले डस्टिंग कर देती हूँ उसके बाद साफ़ सफाई करते हैं। अब मैं हॉल में साफ़ सफाई कर देती हूँ, हल्की डस्टिंग कर रही हूँ, हॉल की डस्टिंग करने के बाद में गुड्डू के कमरे की साफ़ सफाई होगी, उसके बाद फिर झाड़ू लगेगी, फिर पोछा लगेगा, तो बने रहना व्लॉग के साथ में। बच्चे हैं तो बच्चे ये ऐसे ही करते हैं फैलावड़ा फैला के, और खुद तो चले जाते हैं फिर पीछे से, ये सारा काम मेरा है, तो झाड़ू पोछा अभी डस्टिंग, फिर उसके बाद में खाना वाना और 12 बजे की लाइव, इस तरह से ही सारा काम मेरा रूटीन का रहता है। शाम को इतना टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का, तो से 12 बजे की जगह है अब 11:30 बजे कर दी है, और या फिर 11 बजे की 11 बजे की रख लेंगे, जो आपको उचित समय मिले उसी समय मुझे बता देना, और रात वाली तो 8 बजे है ही, उसमें तो आपको आना ही आना है। और आज का जो जो टॉपिक है वो है कि YouTube के द्वारा हम अपनी भारतीय संस्कृति को बचा रहे हैं या फिर कुछ उसका गलत प्रभाव पड़ता जा रहा है, तो ये आपको
आज जो डिबेट होगी उसके अंदर बताना है। कल शानदार डिबेट चली थी, मुद्दा था कि दहेज में दहेज देना, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए दहेज इकट्ठा करना चाहिए या फिर उनको अच्छा पढ़ा लिखा करके डिग्री तैयार करनी चाहिए उनके लिए, तो ये था ताकि वो अपने पैरों पर। तो काफ़ी लोगों ने बहुत ही सहमति पूर्वक उत्तर दिए, जो युवा पीढ़ी है उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए। तो आज जो वाला टॉपिक है जो कि यूट्यूब पे हम भारतीय संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं या खोने का प्रयास कर रहे हैं, ये टॉपिक है। तो आप ज़रूर ज़रूर इसमें आना और आज का जो वीडियो है वो देखना। और मेरी जो सेल्फी स्टिक है ये मिल गई है, क्योंकि आज मैंने पूरे घर में देखने का ये सोच लिया, ठान ली थी इसको ढूंढने की, तो आज मैंने इसको ढूंढ लिया है और ये भी हाथ में। अब मैं आराम से दोनों हाथों, एक हाथ से दोनों मतलब इसको पकड़ सकती हूँ और कितनी भी ऊंची पे हो चाहे मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। तो ये बात है, इसलिए आज आपको ये वीडियो वॉच करना है और ये है आज चौथा चैलेंज वीडियो, तो इसको ज़रूर वॉच करना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और अभी मैं जाऊंगी, देखो मेरी ये मशीन जो है, ये जो मशीन है ये पड़ी इधर, इसका जो नीचे जो ग्रिल डालते हैं वहाँ से टाइट चल रही है, तो या तो कोई धागा आ रखा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि तेल डाले हुए इसमें काफ़ी टाइम हो गया। तो आज मैं अभी इसके लिए तेल लेके आती हूँ और आप अपना ये वीडियो देखना। तो आप मेरे शुरू से सपोर्टर हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नए हो तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको चैनल को गणपति ऑनलाइन साड़ी सेल के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और गणपति ब्लॉग के नाम से सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल के साथ बने रहना और फुल अपना सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं एक शानदार नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद, बाय बाय।